और अब बड़ी खबर आ रही है, टीएमसी के विधायक पर आईपीसी रेड, फैक्ट्री से 15 करोड़ कैश बरामद। जाकिर हुसैन की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं, पैसा मजदूरों और किसानों को देने के लिए है, ये जाकिर हुसैन की तरफ से कहा गया है। 28 ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक जाकिर हुसैन की मुश्किलें अब लगातार बढ़ गई हैं। उनके ठिकानों पर 2 दिन तक हुई आयकर विभाग की रेड में करीब 15 करोड़ रुपए के जो नकदी है वो पकड़ी गई है। हुसैन मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर से टीएमसी विधायक हैं, वो ममता बनर्जी की सरकार में श्रम मंत्री भी रह चुके हैं। हुसैन बीड़ी बनाने की फैक्ट्री चलाते हैं, वो राइस मिल और तेल मिल के भी मालिक हैं। मुर्शिदाबाद में ही 2 और बीड़ी फैक्ट्रियों से लगभग 5.5 करोड़ रुपए जब्त किए गए, जबकि उनके राइस मिल से लगभग 10 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। इस तरह कुल मिलाकर 15 करोड़ की जो कैश है वो अब तक जब्त हो चुका है। बता दें कि विधायक के कुल 28 ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है, इसमें 3 बीड़ी फैक्ट्रियों के अलावा अन्य प्रतिष्ठान शामिल है। हालांकि हुसैन का दावा यह है कि उनके पास सभी दस्तावेज हैं, ये पैसा उनके कारखानों और मिलों में काम करने वाले मजदूरों को दिया जाना था, ये जाकिर हुसैन की तरफ से दावा किया गया है। जाकिर ने बताया है कि उनकी फैक्ट्रियों में 7,000 मजदूर काम करते हैं, उन्हें पैसा देना था। मेरे घर और मिलों से जो पैसा जब्त किया गया है वो मजदूरों और किसानों को दिया जाना था, ये भी उन्होंने दावा किया है। हमने उन्हें दस्तावेज दिखाए हैं, सुरक्षा कारणों से हमें कभी कभी नकदी घर पर रखनी पड़ती है, मैं नियमित तौर पर टैक्स भी चुकाता हूं, हमने अधिकारियों के साथ भी सहयोग किया है। इससे पहले बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी रही महिला अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर जांच एजेंसियों ने छापा मारा था। अलग अलग कार्रवाई में इनके ठिकानों से 50 करोड़ रुपए की भारी भरकम जो कैश है वो बरामद हुआ था। इसके अलावा करोड़ों का सोना भी जब्त किया गया था। आरोप है कि पार्थ और अर्पिता ने ये रकम शिक्षक भर्ती घोटाले से कमाए थे। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।